नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। अपना ये जो चैप्टर चालू है गियर मेजरमेंट, उसके ऊपर मैंने एक दो वीडियो अपलोड किए, जैसे इंट्रोडक्शन का वीडियो था, फिर उसके बाद गियर टेक्नोलॉजीज का वीडियो अपलोड किया था। अभी जो का वीडियो इसमें देखना है इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में इसके डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाते हैं। इसका जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है, अ पाथ डिस्क्राइब बाय अ पॉइंट और लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ स्ट्रिंग देन व्हेन अनवाउंडेड फॉर्म ए स्टेशनरी सिलेंडर। इसको अगर सिंपल भाषा में बताना चाहे तो कैसे बता सकते हो, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर आपने एक स्ट्रिंग वाउंड किया और फिर उसको जब आप अनवाउंड कर रहे हो, जो वो पाथ ट्रेस करेगा उसको क्या कहते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। उसी के सेम कंसेप्ट लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका एक सर्कल है, उसको आप बेस सर्कल भी बोल सकते हो, और मैंने यहाँ से पी से लेके क्यू तक मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग उसको वाउंड किए और उसका क्यू पॉइंट जो है उसका फिक्स है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये पी पॉइंट और ये जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट एक्चुअली आपके बेस सर्कल के ऊपर का पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये स्ट्रिंग को क्या करूँगा, अनवाउंड करूँगा। अनवाउंड करते टाइम क्या करूँगा, मैं पी से लेके उसको यहाँ तक पी वन तक उसको अनवाउंड करूँगा। तब वो क्या करेगा, कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है वो, ये जो पाथ है आपका, ये पी से लेके पी वन तक का पाथ क्या कर रहा है वो ट्रेस कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद उसके बाद मैं क्या करूँगा, वापस उसको और अनवाउंड करूँगा, पी टू तक अनवाउंड करूँगा। तो क्या होगा, वो कौन सा पाथ ट्रेस करेगा, ऐसे यहाँ तक का पाथ ट्रेस करेगा, मतलब पी से लेके पी टू तक का पाथ ट्रेस करेगा। फिर अभी ये जो आपका प्रोफाइल बना, ये पी पी वन पी टू, ये क्या है आपका, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, ठीक। मैं क्या करूँगा, फिर ये जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बना इसको मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैंने टी टी टेंजेंट क्या किया, ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अभी जो टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट रहेगा, एक मैंने पॉइंट वहाँ पे P2 पॉइंट है वहाँ पे, तो मैंने P2T ये जो डिस्टेंस है, P2T ये जो डिस्टेंस है और P2T और उसके बाद आपका ये जो P2Q2 है, ये क्या है एक्चुअली आपके जो प्रोफाइल है, ये जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इसको क्या है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसको नॉर्मल है। एट द सेम टाइम ये इसको परपेंडिकुलर है, ये पी टू टी आपका ये जो ये लाइन है इसको क्या है वो परपेंडिकुलर है। इसके ऊपर से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, देखो आपका ये जो डिस्टेंस है, आर्क डिस्टेंस पी क्यू वन इज इक्वल टू पी वन क्यू वन, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। एट द सेम टाइम ये जो डिस्टेंस है आपका पी से लेके क्यू टू तक का, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू पी टू क्यू टू, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, आर्क डिस्टेंस पी क्यू वन इज इक्वल टू पी वन क्यू वन और पी क्यू टू इज इक्वल टू पी टू क्यू टू, ठीक। फिर उसके बाद आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके बेस सर्कल का जितना डायमीटर रहेगा, बेस सर्कल का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कर्वेचर ऑफ योर इन्वॉल्यूट। ऐसे ही ये पूरा इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल का वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।